हाय गाइस, मेरा नाम है पराग पाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो बेसिकली आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग यूजिंग इंटायर सॉफ्टवेयर। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्टवेयर का डेमो नहीं देने वाला हूँ, मैं आप सब सिविल इंजीनियर्स के लिए ये टाइम हिस्ट्री एनालिसिस का कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली टाइम हिस्ट्री एनालिसिस का कंसेप्ट हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई द एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड ड्रिफ्ट ऑफ द बिल्डिंग यूजिंग द पास अर्थक्वेक डाटा। जैसे लातूर में, महाराष्ट्र में एक बार आया था, एक बार बहुत बड़े बड़े जो अर्थक्वेक आए हैं, तो हम लातूर के बारे में बात करते हैं। जब लातूर का अर्थक्वेक आया था उस टाइम में महाराष्ट्र में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। सो व्हाट यू कैन डू, आप उस पर्टिकुलर डाटा को इटैप में यूज करके उसके रिस्पेक्ट में टाइम हिस्ट्री एनालिसिस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब किसी भी बिल्डिंग के ऊपर उतना अर्थक्वेक लगा के आप उस पर्टिकुलर जोन के रिस्पेक्ट में उस बिल्डिंग का एक्सेलरेशन, उसका ड्रिफ्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्चुअली मैं एक प्रेजेंटेशन एक पर्टिकुलर कुछ लड़कों के लिए बना रहा था, तो उस टाइम में मुझे लगा कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो देखिए हमारे कंटेंट जो है वो है इंट्रोडक्शन, जस्टिफिकेशन, कुछ प्रॉब्लम सर्वे, और मैंने कुछ लिटरेचर सर्वे भी किए इस चीजों के ऊपर। कुछ ब्लॉक डायग्राम में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका फ्लो हो सकता है, और अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट बनाना है तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिटेल्स फॉर योर फर्दर एक्सप्लेनेशन, राइट। उसके बाद इसके क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं, इसका वर्क प्लान क्या रहना चाहिए, और मेरे कुछ रेफरेंसेस। ओके, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये जो थ्योरी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ओके, ये थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ओके, ना मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। इफ यू वॉन्ट टू रीड यू कैन रीड इट। ओके, सो इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि हम इस पूरे प्रोजेक्ट में जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट में हम यूज कर रहे हैं सर्टेन स्टोरी ऑफ बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को कंसीडर, और इसमें इटैप एक सॉफ्टवेयर के यूज कर रहे हैं जिसमें हम आईएस कोड का यूज करने वाले हैं, आईएस कोड 456, ओके, उसके बाद आईएस कोड 800/2007, आईएस कोड 875 पार्ट 1-5, ये सारे कोड्स प्रोविजंस हम यूज करने वाले हैं जिसका यूज करके आपको प्रॉपर बिल्डिंग एनालिसिस और डिजाइन आप कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखिए दोस्तों, बिल्डिंग एनालिसिस एंड डिजाइन करना ये फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप है, इसके अलावा आप टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कर ही नहीं सकते, बिकॉज टाइम हिस्ट्री एनालिसिस रिक्वायर्स द ऑल डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग। ओके, उसके बाद कुछ जस्टिफिकेशंस है कि वाई ये सॉफ्टवेयर हमने, वाई ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपको दे रहा हूं और क्यों ये पर्टिकुलर चीज करना चाहिए। तो टू लर्न अबाउट अ प्रैक्टिकल डिजाइन कंसेप्ट ऑफ आरसीसी बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। बेसिकली आपको इटैप या फिर स्टैट प्रो, ये दोनों भी सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आपको इंडस्ट्री के बेस के रिस्पेक्ट में आपको पूरा बिल्डिंग का डिजाइन सिखाता है, किस तरीके से बिल्डिंग की डिजाइन करते हैं एंड ऑल। उसके बाद सेकंड वन है टू गेट एन आइडिया अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ थियोरेटिकल प्रैक्टिकल डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ आरसीसी डिजाइन। यस, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें प्रैक्टिकल स्पेसिफिकेशंस पता नहीं होते, सो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स आप इन सारी चीजों को उसमें इंबिल्ट करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टू गेट सम आइडिया अबाउट हैंडलिंग ऑफ इंटीग्रल बिल्डिंग डिजाइन लाइक सॉफ्टवेयर्स। ओके, यस, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। ओके, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट गाइस, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन देते हो उस टाइम में इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बिल्डिंग का प्लान बनाया। तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग प्लान विद मी। ओके, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग प्लान में आपको कुछ बेडरूम दिख रही है, मास्टर बेडरूम दिख रही है, हॉल, बेडरूम, किचन, टॉयलेट एंड स्टेयरकेसेस दिख रहे हैं आपको, राइट। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको कोई एनालिसिस या डिजाइन करना होता है तो आप सबसे पहले एक रफ केज डायग्राम आपको ऑटोकैड में बनानी पड़ेगी। जब आप ऑटोकैड में बना लोगे तो उस पर्टिकुलर प्लान का आपको सेंट्रल लाइन प्लान बनाना पड़ेगा, एंड दैट पर्टिकुलर सेंट्रल प्लान यू नीड टू ब्रिंग टू द इटैप और स्टैटो सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो इन सॉफ्टवेयर में जब आप लेके आते हो उसके बाद ही आप डिजाइन की प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप मुझे पूछोगे कि भाई ऐसा क्यों, ऐसा स्पेसिफिकली क्यों, बिकॉज जब आप पर्टिकुलर सेंट्रल लाइन प्लान किसी सॉफ्टवेयर में लेके जाते हो सो देयर इज प्रॉपर डायमेंशन एक्यूरेटली यू कैन मेजर फ्रॉम द प्लान विद रिस्पेक्ट टू प्लान इन द सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। क्योंकि अगर आप ग्रिड बाय ग्रिड बनाने जाओगे तो आपको वो टाइम लगेगा, और जब आप ऑटोकैड से डाटा लेके जाते हो तो दैट हेल्प अ लॉट। सो हमारा कंसेप्ट है टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। तो आप बोलेंगे अरे ये टाइम हिस्ट्री एनालिसिस तो कहीं भी भगी गया। ठीक है, ऐसा नहीं है, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस रन ओनली आफ्टर द एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो देखिए जैसे आप ये पर्टिकुलर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं,
ये जो पर्टिकुलर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जो ग्राफ है ये सूडो स्पेक्ट्रम एक्सेलरेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड, मतलब टाइम। सो सूडो स्पेक्ट्रम एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको टाइम इश्यू एनालिसिस का रिप्रेजेंटेशन देता है। इज दिस इंटरेस्टिंग? बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इस पर्टिकुलर फोर्स के रिस्पेक्ट में जो आप बिल्डिंग के डायग्राम देख रहे हैं, ओके, दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग डायग्राम रिफ्लेक्ट्स यू कि आपकी बिल्डिंग कैसे ड्रिफ्ट करेगी। ओके, जैसे मान लो ये आपकी कांस्टेंट आपने बिल्डिंग डिजाइन करी, देन व्हेन द अर्थक्वेक अप्लाई ये किस तरीके से ट्रिप करेगी, ओके, किस तरीके से इसका डिफ्लेक्शन होगा, व्हाट आर द एक्सेलरेशन अप्लाइड फ्रॉम द बॉटम स्टोरी टू टॉप स्टोरी। सो ये जो सूडो फोर्स एक्सेलरेशन आपके बिल्डिंग के ऊपर पर्टिकुलर सेकंड में लगने वाला है, ये इस ग्राफ से आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। जैसे मान लो कि 0.5 सेकंड में 13.5 mm पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अगर ये अर्थक्वेक आपके बिल्डिंग के ऊपर आएगा तो बेसिकली 13.5 mm पर सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपके बिल्डिंग में देखा जा सकता है। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर गाइस जो आपको टाइम हिस्ट्री एनालिसिस से पता चलता है। अभी टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्यों करना चाहिए? टाइम हिस्ट्री एनालिसिस करने के दो रीजन है। फर्स्ट रीजन है कि आपको जो आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो बिल्डिंग डिजाइन कर रहे हो वो डिजाइन सेफ रहनी चाहिए। अभी ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए बस डिजाइन ही करना है, नॉट लाइक दैट। देयर इज अ सिस्मिक डैम्पर्स, ओके, बेस आइसोलेशन टेक्निक्स, ओके। जैसे आप बीएमटी पीसी की अगर आप बुकलेट फॉलो करोगे, गूगल पे डालो बीएमटी पीसी, काफी अच्छी बुकलेट्स है, ओके, और कुछ अर्थक्वेक रिलेटेड काफी अच्छे बुक्स भी है, दैट यू कैन ऑल्सो रेफर। सो ये सारी चीजें आपको यही बताएगी कि व्हाट इज बेटर, ओके, क्या चीज बेटर है, व्हाट आर द अंडरस्टैंडिंग्स, व्हाट यू हैव टू फंक्शनलाइज, ओके, ये सारी चीजें आपको इसी चीजों से पता चलेगी। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है गाइस कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी लाइव्स, ओके। तो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस से आप अर्थक्वेक के आने के बाद अर्थक्वेक से जो हैमर्स जो हार्म्स होने वाले उन चीजों को बचाना, दैट इज योर इंपॉर्टेंस, ओके, एंड दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एक्चुअली, ओके। सो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए टाइम हिस्ट्री एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ओके। नाउ उसके बाद इसका मैं थोड़ा आपको ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी देना चाहूंगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन मैंने किसी ग्रुप के लिए बनाया था। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टडी करोगे आरसीसी बिल्डिंग एलिमेंट्स के ऊपर, मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट करना है, ओके, सो व्हाट यू कैन डू दिस पर्टिकुलर लाइक लिटरेचर स्टडी। सो सबसे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी आरसीसी बिल्डिंग के एलिमेंट्स के ऊपर, फिर आपको उसका ग्रिड पैटर्न बनाना पड़ेगा जिसमें आपका कॉलम बीम का सारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई होगा। फिर आपको उसके स्ट्रक्चरल प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपका कॉलम अगर कुछ ऐसा है तो सेकंड कॉलम उसके वर्टिकल पोजीशन में आना चाहिए ताकि जो एक्सेलरेशन एंड ऑल द मूवमेंट्स है वो प्रॉपरली कैरी कर सके। देन आपको फाइनल प्लान प्रिपेयर करना है ऑटोकैड में, फिर उसको फिर से फाइनल करना है, फाइनलाइज करना है कि मेरी स्ट्रक्चरल प्लानिंग प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद आपको बिल्डिंग को क्या करना है, एनालिसिस करना है, फिर अगर एनालिसिस फेल होती है तो उसको डाटा चेंज करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज करके उसको रीएनालाइज करना है। जब आपकी रीएनालिसिस हो जाती है फिर आपको उसको फिर से डिजाइन करना है, रीडिजाइन करना है ताकि अगर डिजाइन फेलियर होता है तो उसको रीडिजाइन करो, और डिजाइन होने के बाद आपको टाइम से एनालिसिस करना है, एंड देन उसके बाद यू कैन गो फॉर द डिटेल, ओके। सो हमारे कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स रहते हैं जब हम टाइम से एनालिसिस करते हैं, जैसे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर फोर्स, मैक्सिमम मिनिमम बेंडिंग मूवमेंट्स, मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस फॉर ऑल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, डिजाइन ऑफ सबस्ट्रक्चर्स, डिटेलिंग ऑफ द स्ट्रक्चरल मेंबर्स एंड टाइम स्ट्रेस एनालिसिस, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे गाइस। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा है, कुछ नया तरीके का वीडियो मैं आपके लिए आज लेके आया हूं। तो आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और यस गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली कमेंट इन द बिल बॉक्स कि आपको और कौन कौन से नए वीडियो आपको मुझसे चाहिए, ओके। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।